दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं दिनाड़ा ताल। और वहाँ का तो अभी तक शायद आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, तो आज आपको दिनाड़ा ताल के दर्शन करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा व्यू कैप्चर करवा के दिखाएं। तो आपको लेके चलते हैं दिनाड़ा ताल। भाई कर दो जोर से। ये हमारे अफजल भाई। अफजल भाई हेलो दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा प्रकोप मार्केट और हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार। और आइए आपको लेके चलते हैं आज थिनाड़ा ताल, दिखाते हैं आपको वहाँ की वादियाँ और खूबसूरत नज़ारे। सो लेट्स गो दोस्तों। रोड का काम कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको, एकदम मक्खन सी। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही प्यारा वाटरफॉल, ऊपर जाते बट अभी टाइम का हमारे पास लोड है। बाबा बढ़िया है सर, कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत मजा आई। देखो ये ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ से अभी हरी भरी वादियाँ शुरू हो चुकी है और आपको आगे नज़ारे दिखाते रहेंगे ऐसी। तो चलते हैं। ये बाबा का मंदिर, बोलो नमः शिवाय। और ये देता हूँ सर, भाई जी को नमस्कार पहले। तो कैसे भाई जी? सब बढ़िया। पुलिस वाले की बात है। अरे कल एक्सपायर हो गया। और दोस्तों ये हम लोगों ने अपना ट्रैक शुरू कर लिया है, और ये हमारे मोहित भाई। मोहित भाई हरिओम, ये हमारा केडी भाई हरिओम। और अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, आगे दिखाते हैं आपको नज़ारे। ये मोहित भाई के साथ मेरा दूसरा ट्रैक है, और लास्ट टाइम भी बहुत मज़ा आया था मोहित भाई के साथ। और ये केडी भाई का हमारा पहला ट्रैक है साथ में, आ गया और मज़ा आने वाला है, तो देखते हैं आगे। राणा बीफ का आपका बाबा सोमेश्वर का मंदिर है, और यहाँ मंदिर का भी कार्य निर्माण प्रगति पर है। और ये बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप देख सकते हो। और दोस्तों मेरा लास्ट ब्लॉग
बॉक टिब्बा का, उसमें मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया। अभी मैं नया नया ब्लॉगर हूँ, थोड़ा दिक्कत होती है। तो आई होप आप लोगों को लास्ट ब्लॉग भी पसंद आया होगा, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। दिनाड़ा ताल का रास्ता यहाँ गांव के ऊपर से होके जाता है ये रास्ता। मोहित भाई कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? हाँ, यहाँ से 6-7 किलोमीटर मोहित भाई बता रहे हैं। और चलिए फिर देखते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हो कितनी खड़ी चढ़ाई है, और लगातार हम इस पर चले जा रहे हैं। और मेरे चेहरे पर आप पसीने की धारा देख सकते हो। सेम हाल भाई लोगों का भी यही है। दोस्तों बारिश स्टार्ट हो चुकी है, पूरा रास्ता गीला हो चुका है। और दोस्तों काफ़ी ऊपर आ चुका है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो केडी बाबा कैसा लग रहा है फिर? अरे भाई जी क्या बताए आपको, फर्स्ट टाइम ट्रैक है। अरे फर्स्ट टाइम आया बट इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताए। और मोहित बाबा तो खैर हमारे शूटर हैं, अभी तो शुरुआत है। आगे देखिए। और बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, फाइनली राना वालों की छानी पोखरी पहुँच चुके अभी। अभी आंटी जी ने हमें चाय के लिए ऑफ़र किया, तो हम लोग अभी आंटी जी की छानी की तरफ जा रहे हैं। दिखाते आगे और दिखाते हैं आपको। हाँ हमारे साथ ही नहीं चलते रहिए आंटी जी। जी अब हम लोग यहाँ से चलते हैं अपने सफर पर। हमको थोड़ा प्रोटीन जी ने हमें दे दिया है, काम की चीज़ काम की चीज़ दे दी है, और अभी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं हम लोग। तो चलते हैं। ये हमारे यहाँ पे सारे, और आप देख सकते हो इनके चेहरा कितना खिला हुआ रहता है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही प्यारा जंगल स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब ये देखिए आप, ये देख सकते हो आप यहाँ पे जंगली मशरूम लगी हुई है जहरीला वाला, बहुत सारी। फिर भी आप इन लोग इन सबको ना खाएं, कितना प्यारा जंगल है। और दोस्तों हम यहाँ पे राना वालों की दूसरी छानी पड़ दी है एक जगह पे, अडित्रा बोलते हैं इस जगह का नाम। और अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं, और ये पैर गुस्से में दिखाई दे रहा है। और शंभू जय शंभू, कैसा था? अरे भाई जी एकदम फर्स्ट क्लास है। ये देखो जरा कितना चल रही है, हम अभी भी बहुत चलना है, मज़ा आ रहा है। बट क्यों? हाँ मज़ा आ रहा है दोस्तों। एक और छानी मिल चुकी है हमें यहाँ पे, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई नहीं है। और ये हम लोग अभी थोड़ा पानी पीने के लिए रुके हैं यहाँ पे, हरिओम बाबा। और ये यहाँ पे
चारों तरफ नज़ारा देख सकते हो आप लोग। थोड़ी देर यहाँ आराम करने के बाद दोस्तों अब हम निकलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे नज़ारे। काफ़ी संकरा रास्ता और दोस्तों आप लोग रास्ता देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। बड़ी कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, ये एक तरीके से आप शॉर्टकट समझ सकते हो उसे। बस हमने शॉर्टकट ले लिया, अब चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग अब पहुंच चुके हैं, आइए। दोस्तों ये हम लोगों की कैंप साइड है और आज हम लोगों का टेंट यहीं पे लगेगा। यहाँ पे ठीक है? हाँ यहाँ पे बढ़िया रहेगा यार सर जी। तो अभी हम यहाँ पे अपना टेंट लगाने वाले हैं, तो देखते हैं। आ जाओ दोस्तों, ये हम लोगों का खाना बन रहा है यहाँ पे पुलाव। ये हम लोगों का टेंट की स्टिक टूटी हुई है, तो हम लोगों ने अपना छपरा इस छानी के अंदर ही बना रखा है। देख सकते हो हमारा मोहित भाई मास्टर शेफ। मज़ा आ रहा है। और दोस्तों प्रेशर चढ़ चुका है अभी। सुनो सुनो, ये सामान संभालो पहले। की स्मेल बहुत ही लजीज आ रही है, देखने में ही इतना स्वादिष्ट लग रहा है, क्या बताएं आपको। खाने में तो पता नहीं कितना स्वाद है। तो हरिओम, गुड नाइट, कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय। ओम नमः शिवाय। एक बार ओम नमः शिवाय का जयकारा। ओम नमः।